हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज मैं एक न्यू नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं और बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 2024 या 24 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा जिसका सैलरी बहुत बढ़िया रहेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको कंपनी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कंपनी रहेगा, आरती इंडस्ट्री लिमिटेड, ये कंपनी आपको देखने को मिल जाता है। केमिकल प्लांट की कंपनी रहेगी जो कि पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। और इन्होंने बहुत सारे PSU के साथ काम कर रखा है, HPCL के साथ, BPCL के साथ, IOCL के साथ और भी अदर PSU के अंदर इन्होंने काम कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। 2024 या 24 से पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब जो आपका पोजीशन रहेगा, सबसे पहले आपका टेक्नीशियन ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसका स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अगला पोजीशन रहेगा जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का, इसमें जो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो आपका 30,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा, वो आपको कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा अंत तक और बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट हमने रखा है, मात्र 800 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है। इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूंगा चैनल पे तो आपको वही अपडेट देने की कोशिश करूंगा। आपको बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, साथ ही साथ आप कौन सी लोकेशन के अंदर जॉब को सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें बता दीजिएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, सिंपली आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यहाँ पे आइकन अवेलेबल है, वहां पे आपको क्लिक करना है। डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को, तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे लिंक्डइन पे, जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाला है। ये वैकेंसी डाला गया यहाँ पे नीरव ठाकर के द्वारा, जो कि यहाँ पे डिप्टी मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने ही यहाँ पे जॉब वैकेंसी डाला है, 23 घंटे पहले जॉब वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, ये आपका आरती इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपका एक पेट्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर आपका यहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा गुजरात का, क्योंकि यहाँ पे जो इनके केमिकल प्लांट है वो गुजरात लोकेशन के अंदर सेटअप है, तो आपको वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। रीलोकेट होने के लिए तैयार रहिएगा, अगर आप रीलोकेट हो सकते हैं तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा एक चार्ट मेंशन कर रखा है, फोटो यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे दिया गया है कि आपका सीरियल नंबर क्या है, कौन सा क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखा है। तो हम वन बाई वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने डिग्री कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ITI इन्होंने अगर आपने कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिटर में अगर आपने ITI किया है, वायरमैन में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में कर रखा है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में कर रखा है, ITI अगर आपने बॉयलर अटेंडेंट में कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये सारे ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल के अंदर तो भी आप एलिजिबल है। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा केमिकल में कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। और अगर आपने BSc का डिग्री कर रखा है केमिस्ट्री में तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत कम वैकेंसी निकलती है, तो अगर आपका कोई भाई बहन है, दोस्त है, उनको ये वीडियो सजेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि केमिकल के अंदर वैकेंसी बहुत कम निकलती है। एंड यहाँ पे बात की जाए कि आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स किया है इन्होंने,
वो आपका फिक्स कर रखा है 50% का क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। एंड यहाँ पे नोट इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आपका 2022 और 2024 यहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने QR कोड मेंशन कर रखा है जिसको आपको स्कैन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी इस QR कोड को स्कैन कर ली है। आपको बस कुछ नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आपको अप्लाई लिंक दे रखा है उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा और आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका एसोसिएट ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिलेगा। फरवरी 2024 के लिए हायरिंग चल रहा है यहाँ पे, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो स्टार मार्क दे रखा है वो आपका इंडिकेट करता है कि जो भी स्टार मार्क के ऑप्शन है उसको आपको मैंडेटरी है उसको फिल करना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे ईमेल दे रखा है तो यहाँ पे जो बॉक्स दे रखा है उसके अंदर आपको अपना ईमेल टाइप कर देना है। दूसरी बात, यहाँ पे कैंडिडेट नेम है तो आप यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे करंट लोकेशन कौन सी आपकी वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद पूछा गया है रेडी फॉर जॉब, यहाँ पे अगर आप रिलोकेट हो सकते हैं जो कि यहाँ पे गुजरात का लोकेशन है तो यस और नो में आंसर कर देना है। अगर आप नो करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको यस वाले बटन पे क्लिक करना है। वही बच्चे अप्लाई करिए जो यहाँ पे रिलोकेट होने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पूछा गया है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एसोसिएट ट्रेनी यहाँ पे ITI का दे रखा है, फिटर वाले में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एसोसिएट ट्रेनी ITI बॉयलर अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एसोसिएट ट्रेनी यहाँ पे ITI इलेक्ट्रिकल वायरमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर एसोसिएट ट्रेनी ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप एसोसिएट ट्रेनी डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एसोसिएट ट्रेनी डिप्लोमा केमिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। एंड अगर आपने BSc कर रखा है केमिस्ट्री से तो यहाँ पे आप एसोसिएट ट्रेनी BSc केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देना है जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एंड फिर पूछा गया है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो आप अपने मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी क्या है, आपको वापस से अपनी ईमेल आईडी को डालना है। आपने कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है कि नहीं कर रखा है, यस और नो में आंसर कर देना है, नहीं कर रखा है तो नो वाले बटन पर टिक कर देना है। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो यहाँ पे आपको CR को मेंशन करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे रिज्यूम अपलोड का, तो आपको अपने रिज्यूम फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपको जो रिज्यूम बनाना है वो आपको केमिकल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा, जो कि बनेगा कैनवा के थ्रू। कैनवा एक एप्लीकेशन है और उसका एक वेबसाइट भी है, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं और बहुत सारे फॉर्मेट वहाँ पे अवेलेबल है रिज्यूम के, और आप बिल्कुल फ्री में रिज्यूम बना सकते हैं। और अगर आपको बनाना नहीं आता कैनवा के थ्रू रिज्यूम, तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर ने वीडियो डाल रखी है, उसके थ्रू आप 15 से 20 मिनट के अंदर रिज्यूम को बना के जल्दी से यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे फाइनली सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब बात आती है कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो डायरेक्टली HR के पास यहाँ पे आपका डेटा पहुंचेगा और HR उसको यहाँ पे देखेगा। और अगर आपका रिज्यूम यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होता है, इनके क्राइटेरिया में सेट बैठता है, उसके बाद डायरेक्टली आपको HR यहाँ पे असेसमेंट का लिंक भेज देगा, जो कि यहाँ पे 10 से 15 दिन लगेंगे यहाँ पे असेसमेंट के लिंक आने में, जो कि आपको ईमेल आईडी पे मिलेगा। जो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे उसी ईमेल आईडी पे आपको वो असेसमेंट का लिंक मिलेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, ऊपर जो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल रहे हैं वही आपको नीचे डालनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे भी वही ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, दोनों ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए, अलग अलग ईमेल आईडी मत डालिएगा। एंड यहाँ पे जैसे ही आपके पास असेसमेंट का लिंक आता है तो यहाँ पे असेसमेंट को आपको पहले देना है। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद अगर आप असेसमेंट क्वालिफाई करते हैं तो आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू होगा, जो कि ऑफलाइन मीडियम में होगा। ऑफलाइन मीडियम में इंटरव्यू होने के बाद आपका यहाँ पे एक मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, कौन से लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।